हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचि वर्मा, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन की बटन दबाना मत भूलिए, जिससे मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आपके साथ चिकन बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चलिए आइए देखते हैं इनके लिए किन मसालों की हमें ज़रूरत है। 1 kg चिकन बनाने के लिए मैं खड़े मसालों का यूज़ कर रही हूँ, जिसमें काली मिर्च, जीरा, जावित्री, जायफल, छोटी इलायची, लौंग। चिकन मसाला, खड़ी धनिया, तेज़पत्ते, अदरक के टुकड़े और लाल मिर्च, लहसुन की कलियाँ, प्याज। मैं इन सभी मसालों का पेस्ट तैयार कर लूँगी। गैस पे मैंने अपना कुकर चढ़ा दिया है, अब हम इसमें तेल डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें लाल मिर्च और दालचीनी, छोटी इलायची डाल के मैं छौंकूंगी, तेज़पत्ते। अब हम इसमें अपना अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ मैंने गरम मसाले का पेस्ट भी डाल दिया है और इनको हम तेल छोड़ने तक मीडियम आंच में कम से कम मैं 10 मिनट इसे पकाऊंगी। मसाले ने हमारा तेल छोड़ दिया है, अब मैं इसमें हल्दी पाउडर और नमक को ऐड करूंगी। नमक स्वाद अनुसार, इन मसालों को मैं कम से कम 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। अब हम इसमें चिकन को डालेंगे। चिकन को हम धीमी मीडियम आंच में कम से कम 10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और साथ ही मैं इसमें चिकन मसाला डालूंगी। चिकन ने हमारे मसाले ने हमारा तेल छोड़ दिया है, अब मैं इसमें पानी को ऐड कर गर्म पानी को ऐड करूंगी। हमने इसमें गर्म पानी को ऐड किया है, इसको हम 1 सीटी आने तक इसे पकाएंगे। जैसे आपको ग्रेवी पसंद है, कुकर का ढक्कन बंद करके हम इसमें 1 सीटी लगाएंगे। 1 सीटी लगाएंगे। कुकर में हमारी 1 सीटी लग चुकी है, अब मैं इसको ठंडा होने के लिए 10 मिनट के लिए रख दूंगी। चिकन को मैंने सर्व कर लिया है, मैं इसको हरी धनिया से गार्निश करूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।